तो आज 27 फेब है, जेकेपी एसआई को केस का डिसीजन यहाँ पर आना है। फर्स्ट अपडेट में आपसे मॉर्निंग में ही शेयर कर चुका था कि यहाँ पर आइटम नंबर 64 रहने वाला है आज के केस की अगर हम बात करेंगे, और यहाँ पर सुबह लग रहा था कि आज नंबर नहीं आने वाला है, लेकिन अभी कुछ देर पहले की बात हुई, लगभग 1 बजे के करीब मैं वीडियो बना रहा हूँ और 12:30 के आसपास का ये अपडेट है जहाँ पर ये हियरिंग वगैरह होनी है उस पर्टिकुलर कोर्ट की अगर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी 12:30 बजे के करीब की मैं बात करूँ, जो हियरिंग चल रही थी वो ये वाला नंबर चल रहा था, 44 नंबर वहाँ पर चल रहा था, इनहैबिटेंट्स वाले इसकी हियरिंग वगैरह हो रही थी, और सुबह हमें लग रहा था कि 20, 25, 30 तक पहुँचेगा, वो भी बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन फिलहाल 44 नंबर तक पहुँच चुके हैं। और अभी लंच ब्रेक होने, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि लंच ब्रेक के बाद आज इसका फाइनल डिसीजन आ ही सकता है। बस ये होना चाहिए, दुआ करना कि बीच में कोई केस ऐसा ना आ जाए जिसमें ज़्यादा लंबा खींच जाए, अगर वो नहीं हुआ तो श्योर आज यहाँ पे डिसीजन आने वाला है, और क्या रहने वाला है वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ फिलहाल डिसीजन आना चाहिए वो बड़ा मैटर करता है। तो आज फाइनल यहाँ पर उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ जो फाइनल हियरिंग की बात करते कुछ डिसीजन वगैरह आएगा वो आ सकता है। सुबह हिसाब से थोड़ा डर ही लग रहा था, लेकिन हाँ अभी 12:30 के करीब के अपडेट के अकॉर्डिंग लग रहा है हाँ कुछ आज हो सकता है। बट फिलहाल लंच ब्रेक के बाद का अपडेट क्या होगा वो मैं आपसे तब शेयर करूंगा, 2:30 बजे के आसपास, जब लंच ब्रेक वगैरह खत्म होगी 2:30-3 बजे के आसपास, तब हम वहाँ पे पता करवाएंगे कि वहाँ पर सीरियल नंबर कौन सा चलेगा तब तक, क्योंकि अभी 12:30 पता गया था कि ये जो आपको मैंने अभी बताया था वो सीरियल नंबर चल रहा था, तो 2:30-3 बजे के आसपास देखेंगे कौन सा सीरियल नंबर चल रहा है, 3 बजे के आसपास चेक करवाएंगे और फिर मैं आपसे एक बार वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये जो PDF की मैं बात करूँ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर सुबह ही प्रोवाइड कर चुका था, वहाँ पर जाकर डिटेल में देख ही सकते हो। तो यहाँ पे 64 आइटम नंबर एक बार फिर से रिपीट कर दूँ मैं, JK SSB जो केस की अगर हम बात करेंगे उसका ये सीरियल नंबर आपके सामने रहा है। तो जैसे कोई और अपडेट अगर बीच में आता है, कोई छोटा सा अपडेट आएगा तो फिर से बताया टेलीग्राम पर मैं ज़रूर शेयर करूंगा, कोई इस तरह का बड़ा अपडेट सामने आएगा तो हम ज़रूर वीडियो बना के आपसे शेयर करते रहेंगे। बाकी फिलहाल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा आप में से कौन कौन JKPSI का एस्पिरेंट है, हालांकि अगर आप एस्पिरेंट नहीं हो तो भी कई सारे हैं जो इसका वेट कर रहे होंगे क्या यहाँ पर डिसीजन आने वाला है, क्योंकि ये डिसीजन जो है वो सिर्फ JKPSI पर नहीं बाकी आने वाले और एग्जाम पर भी इम्पैक्ट डालने वाला है। तो फिलहाल करेंगे इस वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के थैंक यू, जय हिंद। पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक नहीं करोगे तो आपको इस तरह से अपडेट्स नहीं मिलते रहेंगे, इसीलिए आप वहां पर जाके शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू एंड जय हिंद।